गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन क्लासेस बाय सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रिकॉशंस व्हाइल कुकिंग फूड, मींस सावधानियां जब हम खाना पकाते हैं। वी ईट रो एज वेल एज कुक्ड फूड, हम कच्चा साथ साथ पका हुआ भोजन खाते हैं। फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट कुकुम्बर एंड रेडिश आर ईटन रो। फल और कुछ सब्जियां जैसे कि गाजर, ककड़ी और मूली, ये कच्ची खाई जाती हैं। वी शुड वॉश दैम प्रॉपरली बिफोर ईटिंग सो एज टू फ्री दैम फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स, हमें इनको खाने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि इनमें से डस्ट और जर्म्स मुक्त हो सकें। बट अदर टाइप ऑफ फूड आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, लेकिन अन्य प्रकार का भोजन खाने से पहले पकाया जाता है। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट, पकाने से खाना कोमल स्वादिष्ट और पचाने में आसान हो जाता है। इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स इन द फूड, और ये भोजन में से जीवाणुओं को भी मार देता है। सम फूड्स सच एज राइस एंड पोटैटोज आर बॉइल्ड, कुछ भोजन जैसे कि चावल और आलू ये उबाले जाते हैं। इडलीज आर स्टीम्ड, इडलीज को स्टीम यानी भाप में बनाया जाता है। पूरीज आर फ्राइड, पूरी को तला जाता है। पोटैटोज ब्रिंजल्स एंड मीट आर समटाइम्स रोस्टेड, और आलू बैंगन और मांस को कई बार भुना जाता है। बट सम पॉइंट्स शुड बी कैप्ट इन माइंड वाइल कुकिंग, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हमें पकाते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्सेस आर शोक्ड, भीगी हुई दाल के पानी को फेंकना नहीं चाहिए। इट कंटेन्स विटामिन्स, इसमें विटामिन्स होते हैं। यूज इट फॉर कुकिंग, तो इसको खाने के लिए इस्तेमाल पकाने के लिए इस्तेमाल करें। डू नॉट ओवर कुक, कभी भी ज़्यादा ना पकाएं। टू मच फ्राइंग एंड रोस्टिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा तलने से और भूनने से पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। टेक इनफ वाटर वाइल बॉइलिंग, पर्याप्त मात्रा में पानी लें जब उबालते हैं, सो दैट द वाटर विच आर एब्जॉर्ब्ड द न्यूट्रिएंट्स इज नॉट थ्रोन अवे, ताकि जो पानी पोषक तत्वों को अपने अंदर ले लेता है वो खराब ना हो। Why should we chew the food well? हमें खाने को अच्छे से क्यों चबाना चाहिए, तो ताकि हम आसानी से अपना भोजन डाइजेस्ट कर सके। इसीलिए हमें भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए ताकि वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। Preserving food means भोजन का संरक्षण। All food items get spoiled at room temperature after some time, सभी खाद्य पदार्थ सामान्य तापमान पर खराब हो जाते हैं कुछ समय के बाद। सच फूड्स गिव फॉल स्मेल एंड बैड टेस्ट, कुछ भोजन बदबू और खराब स्वाद देते हैं। जर्म्स और माउथ्स स्टार्ट ग्रोइंग इन देम, उनमें जीवाणु और फफूंद उगना शुरू हो जाते हैं। यू फेल इल इट If you eat such food, आप बीमार पड़ जाओगे यदि आप इस प्रकार का भोजन खाओगे। There are different methods to avoid rotting of food, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिससे भोजन को सड़ने से बचाया जा सकता है। This is called preservation of food, और इसको भोजन का संरक्षण कहा जाता है। The different methods of preservation are freezing, drying, canning and adding salt, sugar, vinegar or oil. इन तरीकों में बहुत सारे तरीके शामिल हैं, जैसे कि जमाना, सुखाना, डिब्बा बंद करना, salt को add करना, sugar, vinegar और oil. तो इन सभी को खाने में मिलाया जाता है ताकि खाना ज़्यादा time तक चल सके। Thank you.